तो कैसे हैं आप लोग? आप और लौंडे क्या हालचाल? बस बढ़िया, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप समझ रहे हो? तो हे गाइज, क्या हाल चाल है? अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। अभी हम 1,00,000 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी ब्लॉग्स के बारे में। तो सौरभ जोशी ने आज फाइनली गैरी मिनाटी, हर्ष बेनीवाल, स्कॉट क्रिकेट इंसान एंड आशीष चंचलानी से मिल चुके हैं और सभी ने अपने अपने फेवरेट डायलॉग बोले, आप देख सकते हैं। ओये। अरे भाई, तुम्हें तो हमने बस कहा था तुम सही में आओ। सरप्राइज कैमरामैन पीयूष जोशी के साथ। और भाई देखो तो फाइनली गाइस सारे आ चुके हैं रूम में, सारे सुपरस्टार। देखो मेरे भाई लिटरली मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये देखो सामने कैरी मिनाटी भाई, आशीष भाई, स्काउट भाई और हर्ष भाई, और ये देखो भाई इनकी तो बस, और ये पीयूष भाई क्योंकि इसको कोई नहीं जानता। भाई मैं एक सेकंड, पीयूष भाई तेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है? मेरा हर्ष बेनीवाल। तो गाइस काफी अच्छा लग रहा है वैसे स्काउट भाई, स्काउट भाई और ट्रिगर्ड भाई से तो मैं पहले मिला हूँ, लेकिन हर्ष भाई और आशीष और कैरी मिनाटी भाई से तो पहली बार मिल रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। सारे अपने अपने डायलॉग बोलोगे एक बार? चलो सबसे पहले, तो कैसे हैं आप लोग? आप और लौंडे क्या हाल चाल? बस बढ़िया, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हेलो बच्चों। तो अब हम बात करने वाले हैं मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो रिसेंटली मिस्टर इंडियन हैकर ने अपने चैनल पर एक ब्लैक होल का वीडियो अपलोड किया था, बट गाइज कुछ लोग बोल रहे थे कि ये ब्लैक होल रियल नहीं है, फेक है, इसमें ग्रीन स्क्रीन या VFX का यूज किया गया है। बट गाइज मिस्टर इंडियन हैकर ने इसको प्रूव करके दिखाया है, आप देख सकते हैं। अपने पार्ट 2 के अंदर जो भी चीजें देखी वो सारी अमेजिंग थी, बस फर्क इतना है कि कुछ लोगों को उस बात पे यकीन नहीं हो रहा है और वो उस चीज को फेक बोल रहे हैं। तो चलो आ जाओ उसका भी प्रूफ देते हैं आपको। तो देखो फास्ट नंबर आ गए गाइस, मैंने अपने आप को रस्सी से बांध रखा है क्योंकि जैसे जैसे ब्लैक होल बड़ा होगा, गाइस मैंने अपने आप को रस्सी से बांध रखा है क्योंकि जैसे जैसे ब्लैक होल बड़ा होगा, सेंटर के अंदर इसकी जो ग्रेविटी है, इसका जो खिंचाव है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा होता जाएगा। सेंटर के अंदर इसकी जो ग्रेविटी है, इसका जो खिंचाव है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा होता जाएगा। थोड़ा पीछे गाइस अभी आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा हो गया है और मैं जो है इसके हल्का हल्का पास में जा रहा हूँ और उन्हें खींच बच्चे गाइस सेंटर के अंदर नहीं जाना है कभी भी। ये देखो सेंटर के अंदर नहीं जाना है, ये देखो गाइस किस तरीके से, ओ भाई सेंटर से दूर रहना है बस। सिर्फ यही नहीं गाइस बल्कि पूरी वीडियो ही रियल है यार। अगर फुल वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब हम बात करने वाले हैं अमित बड़ाना के बारे में। तो अमित बड़ाना अपने शॉर्ट फिल्म की अपडेट देते हुए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की है जहां पर बताएं एडिटिंग चालू है, बहुत स्कोप है 3 फरवरी। तो अब हम बात करने वाले हैं थगेश के बारे में। तो थगेश का 2nd एपिसोड आने वाला है द थगेश शो का, जिसका वो शूट कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें उनके गेस्ट कौन होंगे आप गेस कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं सुपर खालसा के बारे में। सुपर खालसा पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के ऊपर रिप्लाई करते हुए ये कहे, आप देख सकते हैं, कल मैंने इंडिया से एक ऐसी वीडियो देखी जिसको देख कर कल मैं सारी रात रोता रहा और मैं सही से सो भी नहीं सका, और वो वीडियो ये थी। आज एक हिंदू लड़की ने मुझे अपनी नोट्स भेज दी, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था एक हिंदू लड़की ऐसा कर सकती है। तो मुझे भी पाकिस्तान से एक औरत का मैसेज आया, उसने कहा कि हमारे घर में गलती से पाकिस्तानी टट्टू पैदा हो चुका हुआ है, क्या आप उसका डबड़ा कर सकते हो? तो अब हम बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। फुकरा इंसान ने अपने रिसेंट वाले वीडियो में बताए कि उनको रीवा अरोरा ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी, इसके बारे में वो क्या कहे आप देख सकते हैं। बट ऐसे मैंने अभी एक वीडियो भी देखी थी वो जन्नत जुबेर की, मतलब कितना स्क्रिप्टेड है बिग बॉस, जैसे उन्होंने दिखाया था वो पहले पूछती मैं तो कभी देखा नहीं बिग बॉस, अभी तो मेरे को स्क्रिप्ट अंदर मिल गया और अंदर जाके पता नहीं किसको कहते हैं बिग फैन, मैं कहा यार ऐसे बच्चों को बुलाना भी नहीं चाहिए, बच्चे आ जाते हैं ये। मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला बच्चों के बारे में, 12 साल की निब्बी है वो फोटो नहीं दिखाई गई यहाँ पर, 1-12 साल की निब्बी ने तुम्हारे भाई को कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। फन एडिट ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर एंड हिडन स्टार स्पोर्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड आलियान ब्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो सभी को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आज का वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।